नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के फील्ड से है, और वो है आपका वेरिएबल्स के टाइप। तो देखिए, वेरिएबल्स के टाइप पे हमने डिस्कस किया था, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, डिपेंडेंट वेरिएबल था, और आपका डिस्क्रीट वेरिएबल पे हमने डिस्कस किया था, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल पर डिस्कस किया था, और साथ ही साथ हमने एक्सट्रानियस वेरिएबल पे डिस्कस किया था। तो इन सब चीज़ों पे डिस्कस हुआ था, लेकिन कुछ हमने देखा कि कुछ स्पेशल और भी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी, जो कि एग्ज़ाम के देखे पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद पूछा जा सकता है वेरिएबल्स के, और भी डीपली अगर दाएं बाएं जाते हैं तो देखिए, इसीलिए हमने वेरिएबल का जो बेसिक टाइप्स हैं, या कहें नेचर है किसी वेरिएबल्स का, तो वो दो टाइप्स के होते हैं। या तो वो क्वालिटेटिव होंगे, या तो वो क्वांटिटेटिव होंगे, यानी कि वो गुणात्मक होंगे या वो मात्रात्मक होंगे। और उसके बाद अगर मात्रात्मक में जाते हैं, क्वांटिटेटिव में जाते हैं, तो उसमें दो सब टाइप आते हैं, चाहे तो वो कंटिन्यूस होगा और चाहे तो वो डिस्क्रीट होगा, यानी कि वो सतत होगा या वो असतत होगा। तो इस पे थोड़ा सा डिस्कस हम करेंगे, ताकि आप इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाएँ। देखिए, वेरिएबल्स की जब हम बात करते हैं, तो वेरिएबल्स हम उन सभी चीज़ों को कह सकते हैं जिस पे किसी प्रभाव को हम माप सकें, देख सकें, या जिसमें परिवर्तन संभव है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें परिवर्तन संभव है, वो वेरिएबल्स के रूप में हम उसको ले सकते हैं, या उसको वेरिएबल्स कह सकते हैं। अगर हम देखें कि आप के ऊपर किसी मेडिसिन का इफेक्ट हो रहा है, तो मेडिसिन जो है एक वेरिएबल्स का काम कर रहा है, और आपका जो हेल्थ है वो भी एक वेरिएबल्स का काम कर रहा है। मेडिसिन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और आपका हेल्थ जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इस तरह से कोई भी चीज़, चाहे आपके नेचर का हो, प्रकृति का हो, और चाहे आपके ह्यूमन बॉडी का, और चाहे किसी भी तरफ हम जाएं एक्सपेरिमेंटल फील्ड में, तो वहाँ पे जो वेरिएबल्स लेंगे, इसी टाइप से हम उसको सेलेक्ट करते हैं और हम उसको वेरिएबल्स कहते हैं। अब देखिए, बात करेंगे हम बेसिक टाइप ऑफ वेरिएबल्स की, यानी कि क्वालिटी होगी वेरिएबल्स की, वो दो टाइप की होती है, एक क्वांटिटेटिव होगी और एक क्वालिटेटिव होगी। अब गुणात्मक पे हम बात करें, तो देखिए, गुणात्मक चर वे चर होते हैं जो गुण के विभिन्न प्रकारों को इंगित करते हैं, दर्शाते हैं, और इसके आधार पर समूह के सदस्यों को कुछ अस्पष्ट वर्गों में या श्रेणियों में बांटा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति इसमें किसी एक वर्ग या श्रेणी का सदस्य हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम कहें, तो जैसे व्यक्तियों की किसी समूह में लिंग भेद के आधार पर मेल और फीमेल में, यानी पुरुष और महिला में हम डिवाइड कर दें, पुरुष और महिला के वर्ग में, ग्रुप में डिवाइड कर दें, तो ये एक प्रकार का आपका क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होगा, यानी कि गुणात्मक वेरिएबल्स होगा। या अगर कहें कि अगर एजुकेशन की फील्ड में कहें कि किसी बच्चों के ग्रुप को आर्ट और साइंस के ग्रुप में हम डिवाइड कर दें, तो ये गुणात्मक वेरिएबल्स का काम करेगा, आपका आर्ट और साइंस का पूरा ग्रुप। तो ये आपके हो गए क्वालिटेटिव चर, इस प्रकार के हम क्वालिटेटिव चर इनको कहेंगे, क्योंकि ये संबंधित गुण के प्रकारों से बने विभिन्न वर्गों की को अभिव्यक्त करते हैं, चाहे आपका वो लिंग भेद हो, चाहे आपका ईसाई, सिख या हिंदू वर्ग, जो आप यहाँ पे देखेंगे वो एक गुणात्मक वेरिएबल्स के अंतर्गत आएगा। अब हम कहेंगे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या है, यानी कि मात्रात्मक वेरिएबल्स। तो देखिए, मात्रात्मक से आपको पता चल गया होगा कि कोई ऐसा वेरिएबल्स जो मात्रात्मक रूप से आपको वैल्यू प्रदान करे, यानी कि देखिए, मात्रात्मक चर वे चर होते हैं जो गुण की मात्रा को व्यक्त करते हैं, और इन चरों पर समूह के विभिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न मात्रा में मान प्राप्त कर सकते हैं। हम फिर से कह दें कि ये इन चरों पर समूह के विभिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग मात्रा में मान प्राप्त कर सकते हैं। अगर कहें तो छात्रों के किसी समूह के लिए अगर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, तो परीक्षा का प्राप्तांक जो है, वो प्राप्तांक आपका क्या होगा, वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का काम करेगा। यहाँ पे इस प्रकार के ये वेरिएबल्स हो गए।
या किसी व्यक्ति के समूह की मानसिक आय, जो मानसिक आयु है, उनके संख्याओं के द्वारा इंगित किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो हो गए, जो भी चीज़ें प्राप्तांक हो रहा है वो आपके क्वांटिटेटिव के रूप में प्राप्त होंगे। तो ये आपका हो गया क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। तो सीधे तौर पे अगर हम आपको बताएं तो क्वालिटेटिव ये है कि जैसे कि मेल फीमेल हो गया आपका, अगर आर्ट साइंस ग्रुप हो गया, या आपका माइनॉरिटी का अगर देखें तो अगर हमने कोई ग्रुप बना दिया उसका हो गया, तो ये हो गया आपका क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव के तौर पर करें तो मान लीजिए आपका टेस्ट हो रहा है आपके ऊपर, आपका टेस्ट हुआ और टेस्ट का आपका स्कोर जो निकल के आ रहा है, आपका आईक्यू लेवल जो आ रहा है, तो ये सब कहें तो ये आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के रूप में यहाँ पे कैटेगराइज किया जाएगा। और अब चलते हैं टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स पे। तो इसमें दो टाइप हैं, एक है आपका कंटिन्यूअस, एक है डिस्क्रीट। अब कंटिन्यूअस वेरिएबल्स कैसे होंगे? ऐसे वेरिएबल्स जिसमें मात्रात्मक रूप से आपको आंकड़े मिलेंगे वो आपके किसी भी नंबर के रूप में होंगे, मतलब कि या तो पूर्ण नंबर होगा या उसके साथ दशमलव में भी होंगे, यानी कि कोई भी नंबर, यानी कि इनफाइनाइट के रूप में कोई भी नंबर हो सकता है जो आपका पूर्ण से दशमलव के रूप में कुछ भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि आपका हाइट कहें 175 आपका सेंटीमीटर आपका हाइट है, तो यहाँ पे आपको 175 यहाँ पे मिला है। अगर हम कहें कि आपका जो हाइट है वो है आपका 6 फीट, ओके, 3 इंच, अगर ये हम बात कहें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट में भी आपको मिल रहा है यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे पूर्ण वैल्यू नहीं मिल रहा है, यहाँ पे दशमलव में भी वैल्यू मिलेगा, आपको पूर्ण रूप में भी वैल्यू मिलेगा। तो ये आप याद रखिएगा कि कंटिन्यूअस वेरिएबल्स में वैल्यू जो मिलेंगे वो पॉइंट के रूप में भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब देखिए जो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट जो है इसका जो आप वेरिएबल्स जो कैटेगराइज किया गया है, तो डिस्क्रीट जो वेरिएबल्स होंगे वो आपके पूर्ण अंक होंगे, यानी कि 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे। जैसे मान लीजिए किसी बाग में पेड़ों की संख्या हो गई, ट्रीज हो गई, उसको आप नहीं कहेंगे कि 7.3 पेड़ हैं या 7.4 पेड़ हैं, ट्रीज हैं, ऐसे आप नहीं कहेंगे। आप कहेंगे या तो 12 ट्रीज हैं या तो 11 ट्रीज है, या किसी क्लास में बच्चों की संख्या पूछी गई तो वहाँ पे कहा जाएगा कि 60 बच्चे हैं, यानी कि 60 बच्चे हैं। कभी ये नहीं कहा जाएगा कि 60.5 बच्चे हैं या 50.5 बच्चे हैं, यानी कि जो रहेगा यहाँ पे डिस्क्रीट वेरिएबल्स है, यानी कि आपका जो असतत चर है इसके जो मापन में प्रयुक्त जो संख्याएं होती हैं वो एग्जैक्ट होती हैं, यथार्थ होगी, क्योंकि हमने कहा था यहाँ पे पूर्ण संख्याएं होंगी, जैसे कि मान लीजिए 1 या 2 या 3 कोई भी संख्या होगी पूर्ण होगी, जैसे 100 मेल हैं या 100 फीमेल हैं, या हम कहेंगे कि 40 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, कोई पॉइंट में नहीं रहेगा, यानी कि यह एग्जैक्ट नंबर आपके प्रकृति की होती है। जबकि अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल की बात करें, असतत चर की बात करें, तो इसके मापन में प्रयुक्त जो संख्याएं होती हैं वो निकटस्थ होती हैं, यानी एप्रोक्सीमेट होती हैं, याद रखिए एप्रोक्सीमेट रहती हैं आपका जो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स हैं, यानी कि निकटस्थ रहती हैं। अब निकटस्थ का मतलब है कि अगर कहा गया कि आपकी ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है, तो इसका अर्थ ये होगा कि आपका जो हाइट यहाँ पे बताया गया है 175, वो 174.5 से 75.5 के बीच कोई संख्या होगी जो 175 सेंटीमीटर कहा गया हाइट, यानी आपकी हाइट अगर बताई जा रही है इतनी है, तो वो इसके बीच में भी कोई संख्या हो सकती है, तो यहाँ पे ये निकटस्थ माना जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, हमें लगता है इससे जुड़ा हुआ हर आपको आंसर मिल गया होगा। अगर आपको इससे जुड़ा हुआ कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल कमेंट करिए, अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो सिर्फ डिसलाइक करके मत छोड़िए वीडियो को, क्योंकि हमें तो पता चल सके कि हमने कहाँ पे सही से आपको लेक्चर नहीं प्रदान कर पाया, जिससे कि हम
अगली जो वीडियो बनाएं तो उसमें कहीं वो प्रॉब्लम फिर ना आए जिस प्रॉब्लम को देख के आप वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, तब तक लिखते हैं वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।